बाकी मेरे जितने भी ये स्टाइलर इससे पहले थे, मैं उनसे बहुत अच्छे, बहुत स्लीक, बहुत फाइन कर्ल बना लेती थी। उसमें ब्राउन भी है, उसमें बेबी लिस भी है, बिल्कुल सैलॉन स्टाइल। आप आउटवर्ड सेटिंग जो है वो घर पर कर सकते हैं इसकी, तो ये वाली सेटिंग तो बहुत अच्छी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग जिसकी रेवलॉन की। ये है इलेक्ट्रिक ब्रश रेवलॉन का, जो कि है एक एयर स्टाइलर। इसे आप कर सकते हैं अपने बालों को स्ट्रेट, कर्लिंग और ऑल्सो ब्लू ड्राई। हम आज आपको इसके साथ कर्ल्स करके दिखाएंगे और देखेंगे क्या रेवलॉन जो क्लेम करता है क्या वाकई सही है या नहीं। इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक ब्रशेस इस्तेमाल किए हैं जिसमें ब्राउन भी था, बेबीलिस भी था और भी काफ़ी सारे, देखते हैं वो अच्छे हैं ये वाला। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। रेवलॉन कहता है जी कूल टिप है इसकी, ओवल डिजाइन है, टैंगल फ्री कॉम्बिनेशन ब्रिस्टल्स हैं इसके, नायलन इसके ब्रिस्टल्स हैं, यूनिक फ्लो है, लाइट वेट है, स्पीड इसकी दो है, कूल सेटिंग भी है इसमें और इसका कॉर्ड जो है वो 2.5 मीटर्स का है। हॉट एंड कूल सेटिंग किस लिए होती है ये भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी और अभी हम इसको यूज़ करते हैं, मैं आपके सामने इससे कर्ल्स करती हूँ, देखते हैं कि बालों को क्या ये एक स्मूथ टेक्सचर देता है या बालों को बिल्कुल फ्रिजी सी लुक हो रहा है, जैसे उड़े उड़े से बाल होते हैं ना, जैसे बॉम फटा होता है, वैसा तो नहीं है। ये चलें स्टार्ट करते हैं। बॉक्स तो इसका स्टैंडर्ड सा ही है लेकिन जिस प्राइस का ये है उसमें ठीक है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव ये नहीं है। अगर हम डाइसन को देखें तो 2000 रियाल का सिर्फ एक जो है वो एयर स्टाइलर आ रहा है, उससे तो काफ़ी बेहतर है कि आपको सिर्फ 300 रियाल में मिल रहा है। बाकी इसके साथ एक बुक आई हुई है, ये है जी आपका ब्रश। ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी और ब्रश क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं और इसको तो हमने आज तक कभी भी जो है मैनुअल जो भी साथ आता है, कभी टीवी के साथ, कभी किसके साथ, हमने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग बहुत ही माहिर हैं, हमें पहले ही पता होता है चीज़ इस्तेमाल करने का तो हम समझते। बाकी ये ब्रश बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, इसके ब्रिस्टल्स बहुत अच्छे हैं। आप देखते हैं कि शक्ल अच्छी है तो क्या इसके करतूत भी अच्छे हैं, अगर काम ये अच्छा करता है तो भाई। अगर आप डेली बेसिस पे स्ट्रेटनिंग करते हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जो है या तो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करें या फिर ब्लो ड्राई यूज़ करें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो स्ट्रेटनर आपको ज़्यादा डैमेज करता है, 25 टाइम्स मोर डैमेजिंग है वो आपके लिए एज़ कम्पेयर टू दीज ब्रश। तो वैसे तो कोई भी हीटिंग टूल आप यूज़ करें वो आपके लिए डैमेजिंग होता ही होता है, लेकिन स्ट्रेटनर आपको ज़्यादा यूज़ करता है, डैमेज करता है आपको, क्योंकि वो एक कस्म की आपके लिए वो एक आयरन है जो अपने बालों पे आप कर रहे हैं, वो एक आयरन है बिल्कुल इस्त्री की तरह, जो आप उसको यूज़ करते हैं तो डैमेज उससे होगा। आपने क्या करना है, जब भी कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करें आप एक कोई भी थर्मल प्रोटेक्टिव जो है वो मार्केट में स्प्रेस भी आते हैं, क्रीम्स भी आती हैं, ऑयल भी आते हैं, लॉरियल का बहुत अच्छा है वो यूज़ कीजिए, ट्रेस्मे का बहुत अच्छा है वो यूज़ करें। तो उससे पहले बालों में आप इसे जब आप ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग करने से पहले यूज़ करेंगे तो आपके बालों में बाउंस भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा और वो आपको डैमेजिंग से भी बचाएगा। तीन सेटिंग्स है इसकी, एक है जी इसमें कूल एयर है और हॉट एयर की इसमें दो सेटिंग्स हैं, एक मीडियम पे है जो कि कम है और एक हाई पे है। आवाज़ ज़्यादा है इसकी लेकिन एक छोटी आपको जो है, अगर आपका जो है फाइन हेयर है डैमेजिंग और जब आपका हेयर थोड़ा सा डैमेज है, फाइन है, थोड़ा पतला बाल है आपका, यूरोपियन बाल है, तो आप उसमें क्या करेंगी, आप उसमें हाई हीट पे रख के अपने बालों को ब्रश नहीं करेंगी, आपके बाल इस तरह से डैमेज हो सकते हैं और इसलिए आप जो है मीडियम एयर पे रख के कर लीजिएगा। जब एक दफ़ा मीडियम एयर पे रख के आप कर लेंगी तो फिर आप इसको कूल एयर पे जाके आप इसकी सेटिंग को लॉक भी कर सकती हैं, यानी कर्ल हो गया, आपने कर्ल कर लिया, उसके बाद आप उसको कूल एयर पे ले जाके उसको लॉक कर दीजिए एंड देखते हैं कि ये क्या। सबसे पहले मीडियम हेयर पे जाके देखेंगे कि क्या ये मेरे हेयर जो है वो मीडियम हेयर पे करता है, मीडियम एयर पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। स्ट्रेटनिंग अगर मैं ब्रश खाली देखूं, हाँ बालों को काफी सॉफ्ट कर रहा है ये,
खाली एयर ब्रशिंग कर रही हूँ मैं, देखती हूँ मीडियम से ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ ऐसी लुक है मीडियम से, असल मेरे बाल होते हैं। हाँ इधर जाके देखती हूँ, लॉक करने की कोशिश कर रही हूँ, जेंटल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर लॉक कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि इसने किया है कि नहीं। कर्ल इसने एज सच कर्ल नहीं किया, लेकिन इसने आउटवर्ड सेटिंग जरूर कर दी है बालों की, लाइक आउटवर्ड जो है वो हेयर सेट हो रही है। और स्लीक भी है, शाइनी भी है, अच्छा भी है। मैं भी करके दिखाती हूँ आपको जल्दी जल्दी से क्या होता है। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, मुझे कर्ज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ पास इससे थोड़े कर्ज बन जाए, क्योंकि बाकी मेरे जितने भी एयर स्टाइलर थे इससे पहले, बाकी मेरे जितने भी एयर स्टाइलर इससे पहले थे, मैं उनसे बहुत अच्छे, बहुत स्लीक, बहुत फाइन कर्ज बना लेती थी। उसमें ब्राउन भी है, उसमें बेबी लिस्ट भी है। तो मैं ज़रा इसको ऐसे घुमा घुमा के देख रही हूँ कि क्या इससे हम कर्ल्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे हम कर्ल्स बना सकते हैं, लेकिन इससे आउटवर्ड सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, बिल्कुल सैलॉन स्टाइल। आप आउटवर्ड सेटिंग जो है वो घर पर कर सकते हैं इसकी। इनवर्ड के लिए आप उसको अंदर की तरफ राउंड करेंगे, आउटवर्ड के लिए बाहर की तरफ करेंगे। तो ये वाली सेटिंग तो बहुत अच्छी हुई है। अब देखते हैं कि क्या, अब मुझे लूज़ कर्ल्स अच्छे लगते हैं बालों में। लूज़ कर्ल बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्श कर्ल्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कर्ल्स बनाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन चेक करते हैं, अभी आपके सामने देखें आउटवर्ड हो गया, बैक को भी देख लेते हैं और एक बार फिर ट्राई करते हैं कि कर्ल्स होगा। गाइस, थोड़े बहुत बाल हैं इसके अंदर, बाल थोड़े बहुत तोड़ता है ये, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे बाल वैसे भी हेयर फॉल पे हैं, मेरा पोस्टमार्टम हेयर फॉल चल रहा है, तो ये होता ही होता है। इस मैंने आपको वीडियो बना के ज़रूर देनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे सैलॉन्ज हैं जहाँ पे आप जाएँ तो कहते हैं जो ट्रीटमेंट लेने आके तो बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो अगर आपको पोस्टमार्टम हेयर लॉस हो रहा है तो कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बाल आपके नहीं रुकने वाले। तो बात दूसरी तरफ चली गई। ये जो है आपका, देखिए आउटवर्ड अच्छी हो गई और कल भी आपको थोड़ा मैसी वेव्स दे रहा है ये, आपको वेवी आपके हेयर्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे जो कर्ल्स हैं ना वो नहीं हो रहे, लेकिन वेवी हो रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छा है और इतना बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। और इसके लिए अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रेटनर के मामले में भी बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ कीजिएगा
और बस आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मदीद, किसी भी किस्म की कोई वीडियो चाहते हैं, हमसे कोई रिव्यू चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे अपने चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को